नमस्कार, मी नागनाथ कामजळगे. सर्व दिव्यांगांच्या वतीने आज माननीय जिल्हाधिकारी साहेबांना निवेदन देण्यात आलं, कारण काल एका मुकबधीर दिव्यांग मुलीवर बलात्कार झाल्यामुळे आम्ही सर्वच दिव्यांग मिळून जिल्हाधिकारी साहेबांना निवेदन दिलं आणि यावर तात्काळ कारवाई नाही झाली आणि सदरील दोषी व्यक्तींवर फाशीची शिक्षा नाही झाली तर आम्ही अधिक उद्रोही आंदोलन ह्या प्रशासनासमोर करू अशी सर्वांना मी मैं राहुल सीताराम साळवे, कमल फाउंडेशन संचालित बेरोजगार दिव्यांग कल्याणकर्ती संघर्ष समिति का अध्यक्ष. कल नांदेड़ जिले के साथ ही साथ संपूर्ण महाराष्ट्र में एक निषेधनीय काला दिन जैसा कि हुआ है. आज कल नांदेड़ जिले के बिलोली तालुके में एक मुकबधिर दिव्यांग मूली के ऊपर सामूहिक बलात्कार करके उसकी हत्या की गई है. इसके निषेधार्थ आज हम नांदेड़ जिले के सभी दिव्यांग आज माननीय जिलाधिकारी महोदय के मार्फत माननीय मुख्यमंत्री साहब को हमने ज्ञापन दिया है. उस ज्ञापन में हमने ऐसा अनुमोद किया है कि जल्द से जल्द उन नराधमों को फांसी की शिक्षा दी जाए, अन्यथा दो या तीन दिन में हम कैंडल मार्च निकालकर संपूर्ण नांदेड़ जिले के दिव्यांग हर तालुके में कैंडल मार्च निकालकर हम तीव्र स्वरूप का ऐसे एक आंदोलन करेंगे, ऐसा हमने आज निवेदन दिए. हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है. एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे. प्रूफ राइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगिरी रोड, कामठा, नांदेड़. अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा. हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा. लेटेस्ट न्यूज के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज, और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें.